नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 9 अक्टूबर 2023 की ग्रह स्थिति देखते हैं। गुरु और राहु मेष राशि में, गुरु वक्री हैं, चंद्रमा कर्क राशि में, शुक्र सिंह राशि में, सूर्य और बुध कन्या राशि में, मंगल और केतु तुला राशि में और वक्री शनि कुंभ राशि के गोचर में चल रहा है। राशिफल देखिए, मेष राशि को इन दिनों ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है कि वो किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर रहा है। जीवन जीने की कला कहते हैं इसको। स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दें। प्रेम संतान की स्थिति एक तटस्थ बनी हुई है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। भौतिक सुख सम्पदा में वृद्धि हो रही है, लेकिन थोड़ा कलह भी आपको परेशान कर रही है। हरी वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ है। वृषभ राशि, जो भी आपने डिजाइन किया है, जो आपने सोच रखा है अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से, उसको आप लागू करिए, लाभ करेगा। स्वास्थ्य अच्छा है, व्यापार अच्छा है, प्रेम और संतान का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हरि वस्तु पास रखें। मिथुन राशि, जुबान पे नियंत्रण रखें। जुआ सट्टा लॉटरी जैसी चीजों में पैसे ना लगाएं, नुकसान करेगा, धनहानि का संकेत है। लेकिन रुपए पैसे आएंगे भी, बस उनको अभी रोक के रखिए, निवेश मत करिए। बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें। कर्क राशि, समाज में सराहे जाएंगे, आपका कद बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें। सिंह राशि, चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा, मन व्याकुल रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, व्यापार अच्छा चलता रहेगा, शिव जी को प्रणाम करते रहे। कन्या राशि, आय में आशातीत बढ़ोतरी होगी, शुभ समाचार की प्राप्ति, यात्रा में लाभ, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार अच्छा है, शनिदेव को प्रणाम करते रहे। तुला राशि, राजनीतिक लाभ मिलेगा, पिता का साथ होगा, व्यापारिक सफलता मिलेगी, उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान मध्यम है, व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु पास रखें। वृश्चिक राशि, धार्मिक बने रहेंगे, यात्रा में लाभ होगा, यात्रा का संयोग बन रहा है, स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम संतान मध्यम, व्यापार अच्छा। पीली वस्तु पास रख। धनुराशि, बच के पार करें, कोई रिस्क ना लें, स्वास्थ्य मध्यम चल रहा है, प्रेम संतान लगभग ठीक है, व्यापार भी अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रख। मकर राशि, नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी, संपन्नता बनी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम संतान बहुत अच्छा, व्यापार भी बहुत अच्छा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, शत्रु परास्त होंगे, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम संतान अच्छा, व्यापार भी अच्छा। सूर्य को चल दे। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, कवियों के लिए अच्छा समय, जो लोग फिल्मों में काम करते हैं, कला फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम संतान थोड़ा मध्यम रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा। शिव जी को प्रणाम करते रहे। नमस्कार।